इंदौर में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में 51 लाख पौधे लगाए जाएंगे। दरअसल इस साल इंदौर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का प्रकोप देखने को मिला था। ऐसे में आने वाले समय में इंदौर के लोगों को ऐसी भीषण गर्मी से बचाने के लिए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शहर के नगर वासियों और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक साथ 51 लाख पौधे लगाने का निर्णय लिया है। इस विशाल प्लांटेशन ड्राइव का आयोजन 14 जनवरी को किया जाएगा। इसको लेकर शहर की जनता और समाज सेवी संस्थाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस विशाल प्लांटेशन ड्राइव को लेकर कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाना आज की आवश्यकता है। इस वृक्षारोपण के माध्यम से इंदौर से सभी लोग प्रेरणा लेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह घटना दुखद है, लेकिन सरकार आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं रायबरेली में राहुल गांधी द्वारा कल बयान दिया गया था कि वाराणसी से यदि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती तो नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाते। राहुल गांधी के इस बयान पर भी कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसा है। कैलाश विजयवर्गीय से हमारे सहयोगी अशरफ मंसूरी ने खास बातचीत की। इंदौर एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में 51 लाख पौधारोपण करने का संकल्प लिया गया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कैलाश जी। 51 लाख पौधे रोपने का जो संकल्प लिया गया, कहीं ना कहीं एक अनूठे अभियान का इंदौर साक्षी बनने जा रहा है। देखिए, इंदौर की जनता का जो उत्साह है वो देखने लायक है, और विशेषकर इस अभियान के प्रति जो बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं, ये एक दुनिया के अंदर एक रिकॉर्ड बनेगा। मुझे लगता है कि ये आज की आवश्यकता है। जिस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग पर सारा विश्व चिंता कर रहा, तो इंदौर से एक शुरुआत होगी और इंदौर से लोग प्रेरणा लेंगे और अपने अभी लगाएंगे। तो ये कि बहुत अच्छा मिशन इंदौर की जनता ने प्रारंभ किया है जो सारे विश्व को प्रेरणा देगा। सामाजिक संस्थाएं और इंदौर शहर की जो जनता है वो भी काफ़ी उत्साहित नजर आ रही है इस अभियान को लेकर। हाँ, बहुत ज़्यादा सारे समाज के लोग आ रहे हैं, ब्राह्मण समाज, कुशवाहा समाज, सब समाज के लोग आ रहे हैं और सब कह रहे हैं कि हम पूरे समाज के साथ वहाँ पर वृक्षारोपण करेंगे। जम्मू कश्मीर में एक आतंकी हमला हुआ, इसमें छिंदवाड़ा के एक जवान भी शहीद हुए। नहीं, दुखद है, पर सरकार प्रतिबद्ध है, नक्सलवाद और आतंकवाद को इस देश से समाप्त करेगी। और मुझे विश्वास है कि ये जो पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित टेररिज्म यहाँ चल रहा है, तो वह पाकिस्तान को भी नुकसान होगा और टेररिज्म भी समाप्त होगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वाराणसी से अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव आ जाते। अगर राहुल गांधी अमेरिका से चुनाव लड़ लेते तो वहाँ के राष्ट्रपति बन जाते। तो ये हमारे साथ मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जिनका कहना था कि 51 लाख पौधा रोपण का जो संकल्प लिया गया है उसमें कहीं ना कहीं इंदौर शहर की जनता और यहाँ की समाज सेवी संस्थाएं भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने यहाँ पर राहुल गांधी पर भी तंज कसा है। कैमरा पर्सन नीरज जावलिया के साथ मैं अशरफ मंसूरी, ACN भारत न्यूज़, इंदौर।